Today we are going to start with bills of exchange chapter. So to understand this chapter, bills of exchange, we need to recall few terminologies. As such we know all the words, but still I want to recall few terminologies. Now here we mean bills का मतलब क्या होता है? एक होता है bills receivable और दूसरा हमने पढ़ा था वो क्या था? Bills payable. Let's try to understand कि ये bills receivable and bills payable business में आते कहां से? Goods से related transaction mainly दो थे, एक था sales और दूसरा था purchase. Let's focus on sales. अगर आप किसी भी person को sell करते हो तो there are again two types. आप cash sell कर सकते हो या तो आप क्या कर सकते हो? Credit sell कर सकते हो. लेट मी टेल यू, अगर हम लोग कैश सेल करते हैं तो हमें इमीडिएटली क्या पैसा मिल जाता है, और पैसा मिल जाता है यानी ट्रांजेक्शन वहां पे खत्म हो जाता है. लेकिन मान लो अगर हमने किसी को क्रेडिट सेल किया तो कहते हैं इसे दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अवर डेटर. अब सबको पता है कि डेटर्स का मतलब क्या हुआ, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, अमाउंट रिसीवेबल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं. ठीक है, तो कहां से चल रहे हैं आप देख रहे हो, गुड्स, गुड्स में से सेल्स हुआ, कैश सेल हुआ तो ट्रांजेक्शन खत्म. लेकिन अगर मैंने क्रेडिट सेल किया तो वो पर्सन क्या बन जाएगा? डेटर. एंड मान लो अगर वो सामने वाला पर्सन हमारे लिए अननोन है, वी वांट टू गिव हिम क्रेडिट ऑफ 90 डेज. मैं 90 डेज यानी कि अप्रोक्स 3 मंथ्स की क्रेडिट उसको देना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो अननोन है, मैं उसको पहचानता नहीं हूँ, तो यार इट विल बिकम रिस्की 90 डेज की मैं ऐसे ही क्रेडिट दे दूंगा. तो हमने क्या किया, हमने ऐसा डिसाइड किया कि यार थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं. मैंने उसको बोला कि तू 90 डेज के बाद तो पैसे देने वाला है ना, ही सेड यस मैं 90 डेज के बाद आपको पैसे दे दूंगा. तो मैंने बोला यही बात तू राइटिंग में दे सकता है, पैसे भी तुझे 90 डेज के बाद पैसे देने ना. तो इसने बोला हाँ, तो हमने थोड़ा एक लीगल फॉर्म कर लिया इसका. कैसे किया हम लोगों ने? हमने एक लेटर बनाया, राइट टू अंडरस्टैंड. हमने तो सेल किया है फिर भी हमने एक लेटर में लिखा आई प्रॉमिस टू पे. सरप्राइज लगना चाहिए कि सर हमने तो सेल किया है तो पैसे रिसीव करने हैं, फिर भी हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं कि आई प्रॉमिस टू पे. ऐसा करके हमने लिखा आई प्रॉमिस टू पे 1 लाख रुपीज आफ्टर 90 डेज एटसेट्रा एटसेट्रा, सब जो डिटेल था वो लिख दिया, फिर उससे साइन करवाया. So, हमेशा याद रखो ये जो उससे साइन करवाए, उससे साइन करवाने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट बनता है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? बिल्स रिसीवेबल. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें से पैसे मिलने वाले हैं. सो डेफिनेटली इट विल बी कंसीडर्ड एज एन असेट. ऑलराइट, सो हमने ऐसा लिखा आई प्रॉमिस टू पे. सो कैन आई से जो पर्सन गुड सेल करता है वही बिल को ड्रॉ करेगा यानी कि बिल बनाएगा, और ये जो बिल बनेगा उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? सामने वाला की यस मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं 90 डेज के बाद आपको पैसे दे दूंगा. So, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर वे नाउ. अगर हमने परचेस किया तो परचेस भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है कैश परचेस और दूसरा क्या होता है? क्रेडिट परचेस, इज़न्ट इट? अगर हमने कैश परचेस किया तो ट्रांजेक्शन वहां पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है. लेकिन अगर हमने क्रेडिट परचेस किया तो कहने से सामने वाला बंदा जो होता है वो क्रेडिटर होता है. अब वही वाली स्टोरी, अगेन वी आर अननोन टू ईच अदर. तो हम लोग क्या करेंगे, सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला अगेन एक बिल ड्रॉ करेगा. अब बिल कौन ड्रॉ करेगा? सामने वाला बिल ड्रॉ करेगा. वो ऐसा लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे, लेकिन एंड में साइन किससे करवा जाएगा? हमसे करवा जाएगा. अगर मैंने साइन की, इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि 90 डेज के बाद या 60 डेज के बाद आपको इतना इतना रुपया दूंगा. तो कैन आई से द सेम डॉक्यूमेंट विल बी टर्म्ड एज बिल पेएबल? एंड ऑफकोर्स अगर ये पेएबल है तो हमारे लिए क्या बन जाएगी? ये लायबिलिटी बन जाएगी. एंड ऑफकोर्स करंट लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि इसका जो टर्म होता है वो हमेशा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने यानी कि लेस देन 1 ईयर ही होता है. इज इट फाइन विद एवरीवन? ओके, सो दिस वेर द बेसिक एक्सप्लेनेशन. मैं फिर से एक बार बताता हूँ, बिल्स दो टाइप के होते हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल. गुड्स के अंदर सेल्स एंड परचेस. अगर कैश में कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुआ तो सामने वाला पर्सन कौन बन जाएगा? डेटर. एंड डेटर से अगर हम लोग राइटिंग में प्रॉमिस लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? बिल्स रिसीवेबल. एंड अगर ये परचेस का ट्रांजेक्शन है उसमें भी क्रेडिट परचेस का ट्रांजेक्शन है तो सामने वाला पर्सन कौन बन जाएगा? क्रेडिटर. एंड क्रेडिटर से अगर हम लोग साइन लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल. इज इट फाइन विद एवरीवन? ओके, अब हम लोग थोड़ा आगे नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे. व्हेन वी गेट बिल्स रिसीवेबल,
वेन वी गेट बिल्स रिसीवेबल दैट मीन्स वॉट सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट करके हमें दे दिया कि मैं आपको 90 डेज के बाद इतना पैसा पे करूंगा, वो बिल्स रिसीवेबल हमें मिल गया। अब वो बिल्स रिसीवेबल का हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट मी टेल यू, हमारे पास ब्रॉडली स्पीकिंग चार ऑप्शन है। आई एम टेलिंग यू कौन कौन से चार ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन जिसको हम लोग बोलेंगे वेट टिल मैच्योरिटी, मतलब क्या हुआ, उसने अगर ऐसा बोला है कि मैं 90 डेज के बाद आपको पैसे दूंगा तो आप लोग 90 डेज तक वेट करोगे, दैट मीन्स व्हाट, जो बिल्स रिसीवेबल मिला आप समझ सकते हो आपको किसी ने चेक दिया और वो पोस्ट डेटेड चेक है, आप समझ सकते हो पोस्ट डेटेड चेक पता है ना आप लोगों को, दो महीने के बाद की डेट या तीन महीने के बाद, ऐसा ही है कुछ बात हुई है, उसने बोला है मैं 90 डेज के बाद पेमेंट करूंगा, तो ये जो डॉक्यूमेंट है उसको आप लोग संभाल के अपने कपबोर्ड के अंदर रख दोगे, ड्रॉअर में रख दोगे एंड वेट टिल मैच्योरिटी, मतलब क्या हुआ 90 डेज खत्म होंगे और 90 डेज खत्म होने के बाद वो डॉक्यूमेंट लेके हम लोग उसके पास जाएंगे, फिर दो ऑप्शन हो जाएंगे, पता है क्या दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन एक तो वो टाइम पे पेमेंट कर देगा तो बात खत्म हो गई, या तो दूसरा ऑप्शन बिल डिसऑनर हो जाएगा, डिसऑनर मतलब क्या हुआ उसने टाइम पे पेमेंट नहीं किया। सी समझ लो, कोई भी प्रॉमिस करके तो जाता है कि मैं 90 डेज के बाद पैसे दे दूंगा, लेकिन इट इज नॉट कंपलसरी कि 90 डेज के बाद कंफर्म आपको पूरा पैसा मिल जाए, मिल जाता है दो ऑप्शन हो जाएंगे, मिल जाता है तो क्या करना है और अगर नहीं मिलता है तो क्या करना है, दैट इज अगर डिसऑनर हो जाता है तो क्या करना है, सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे। सो दिस वॉज फर्स्ट ऑप्शन, क्या नाम है उसका, वेट टिल मैच्योरिटी, मतलब क्या हुआ बिल में जो डेट लिखी है तब तक आप वेट करते रहो, दैट इज कॉल्ड वेट टिल मैच्योरिटी। सेकंड केस है बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, स्टोरी एक बार समझनी पड़ेगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हम करने ही वाले हैं। आपके पास एक बिल्स रिसीवेबल आया मान लो 1 लाख रुपए का, लेकिन वो बिल्स और रिसीवेबल के बाद, मतलब बिल्स रिसीवेबल के आने के बाद आपको भी पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन यार उसमें तो ऐसा लिखा है कि हम आपको 90 डेज के बाद पेमेंट करेंगे, लेकिन यार मुझे भी पैसों की आज ही बहुत जरूरत है, तो मैंने क्या किया पता है, मैं बैंक में गया। ध्यान सबका यहाँ पे, क्या किया हम लोगों ने, हम बैंक में गए और बैंक में जाके हमने बोला कि यार किसी ने मुझे 90 डेज के बाद का प्रॉमिस दिया है, तो बैंक ने बोला वेरी गुड, अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात नहीं, मुझे तो आज पैसे चाहिए। तो बैंक वाले क्या सोचने लगे पता है, बैंक वाले सोचने लगे कि यार ये तो हमारे लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, मैं उसका बिल ले लेता हूँ, उसकी प्रॉमिस ले लेता हूँ और उसके सामने उसको कुछ पैसे काट के रुपए दे देता हूँ। मतलब क्या हुआ पता है, बैंक वाले ने मुझे ऑफर किया कि आपको कितने 3 महीने के बाद के पैसे है ना, एक काम करते हैं हम आपको 3,000 रुपए काट के 97,000 रुपीज आज दे सकते। सी सबके लिए अच्छी बात हो गई, मुझे आज पैसों की जरूरत थी, 2-3 हजार कम तो कम लेकिन मिल तो गए ना, यूज में तो आ जाएंगे, मुझे पैसे मिल गए। बैंक ने बोला, बैंक के पास तो वैसे भी बहुत पैसे होते हैं, तो बैंक ने बोला अच्छी बात है मैंने उसको फाइनेंस कर दिया, हमारी तो 3,000 की इनकम हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर से एक बार, बिल्स रिसीवेबल हमारे पास था, पहला ऑप्शन हमने देख लिया वेट टिल मैच्योरिटी यानी कि बैठे रहो 90 डेज तक और बाद में जाके, दो ऑप्शन, पैसे मिल गए तो क्या, पैसे नहीं मिले तो क्या, वो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के टाइम पे देखेंगे। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या कहता है, डिस्काउंटेड विद द बैंक, मतलब क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल मिला उस पे लिखा था 90 डेज के बाद पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे आज के आज पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं जाऊंगा बैंक में और बैंक वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, तो बैंक वाले क्या करेंगे, कुछ डिस्काउंट काट के, यू कैन यूज द वर्ड डिस्काउंट, यू कैन यूज द वर्ड इंटरेस्ट, यू कैन यूज द वर्ड बैंक चार्जेस, व्हाटएवर, इन शॉर्ट कुछ अमाउंट काट के बैंक वाले आपको आज पैसे दे देंगे। समझ में आ रहा है, फिर क्या, सीरियल्स में देखते हो ना, टीवी में, मूवीज में, 90 डेज लेटर, 3 मंथ्स लेटर, बराबर, तो अपने भी यहाँ पे ऐसा ही कुछ है, 90 डेज लेटर, बैंक वाले के पास वो डॉक्यूमेंट है, साइन वाला डॉक्यूमेंट तो बैंक के पास होगा ना, क्योंकि आपने पहले ही बैंक को दे दिया था और पैसे ले लिए थे, डॉक्यूमेंट किसके पास होगा, बैंक के पास, तो बैंक गया सामने वाली पार्टी के घर पे जिसने प्रॉमिस किया था। ऑप्शन वन, बैंक को पैसे मिल गए, ठीक है, तो हम तो क्या बन जाएंगे, हम तो स्पेक्टेटर बन जाएंगे, हम तो प्रेक्षक बन जाएंगे, हमें तो कुछ करना नहीं है, बैंक गया उसने बैंक को पैसे दे दिए, दोनों अपने अपने घर पे खुश, हमारे घर पे कुछ नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तो फिर ऑप्शन नंबर टू, बैंक गया बैंक को पैसे नहीं मिले,
उसने ना बोल दिया कि नहीं यार ये तो मैं अभी पे नहीं कर सकता, आपको क्या लगता है बैंक वाले वहां पे मगजमारी नहीं करेंगे? बैंक वाले वहां पे कोई बबल नहीं करेंगे, वो वापस आएंगे, क्या सोचेंगे हमने तो इसको पैसा दिया था उसके अकाउंट से उड़ाओ। तो उन्होंने 1 लाख रुपीज मेरे अकाउंट से उड़ाए। मैंने उनको पूछा भाई क्यों 1 लाख रुपीज, तो उन्होंने बोला ज्यादा सवाल जवाब नहीं और 2000 काट लिए। मैं बोला ये क्या था? मैं बोला बस 1 लाख तो हमने ले लिए और 2000 भी काट लिए। मैंने बोला नहीं यार आप एक्सप्लेन करो ये क्या था। तो उन्होंने बोला आपने जिस पर्सन का प्रॉमिस दिया था ना, ही हैज डिसऑनर्ड, दैट मींस कि उसने पैसा नहीं दिया, तो अब तो वो आप जानो और आपका वो पर्सन जाने, हमें कोई मतलब इस बात से मतलब नहीं है, हम तो आपसे 1 लाख रुपए ले लेंगे। आई सेड ओके 1 लाख ले लो, 2000 का क्या? तो दे सेड कि हमने ये सब किया ना आपके बिहाफ पे, काम किया ना 2000 रुपए। नहीं, दिस वॉज ऑन अ लाइटर साइड, मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल क्या होता है। जब भी कोई बिल डिसऑनर होता है ना, उसको नोटराइज कराना पड़ता है, नोट करवाना पड़ता है कि ये बिल डिसऑनर हुआ है, लीगल डॉक्यूमेंट है, और वो नोटिंग के चार्जेस लगते हैं। सब में आ रहे, तो बैंक ने वो नोटिंग के चार्जेस भी हमारे से ले लिए। बट लेट मी टेल यू, हम है ना 1 लाख रुपए तो उससे मांगेंगे मांगेंगे, प्लस 2000 भी उससे ही डिमांड करेंगे। वाई? बिकॉज उसकी वजह से लगे ना, उसने टाइम पे पैसा दे दिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। सो मैं क्या करूंगा, मैं 1,02,000 उससे डिमांड करूंगा। वे कॉम्प्लिकेशन सब शुरू। फिर से एक बार एकदम क्विक, मैंने किसी को गुड सेल किया, वो मेरा डेटर बन गया, उसने मुझे बिल्स दे दिया, मतलब एक बार के लिए तो सब समाप्त हो गया सब ट्रांजेक्शन। उसके बाद ये बिल को मैंने क्या किया, बैंक में गया, बैंक में जाके मैंने डिस्काउंट करवाया, तो बैंक वालों ने मुझे आज ही पैसे दे दिए। फिर क्या, 90 डेज लेटर, ऑप्शन 1, बैंक वहां पे पहुंचा, उसको पैसा मिल गया, कहने से अपने घर पे कोई बवाल नहीं, उसको उसका पैसा मिल गया, उसने पे कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन मोर इंटरेस्टिंग इज व्हाट, ऑप्शन नंबर 2, बैंक वहां पे गया, उसको पैसा नहीं मिला, तो बैंक वाले क्या करेंगे? पहले मुझसे पैसे काटेंगे, मेरे अकाउंट से पैसे काटेंगे, एंड दैट टू सिर्फ 1 लाख नहीं काटेंगे, और भी कुछ काटेंगे, दैट इज नोटिंग चार्जेस, तो 2000 और भी काट लिए। तो कहना इसे एक बार तो बैंक वाले ने मुझसे काट लिए, लेकिन ये सारे पैसे मैं किससे डिमांड करूंगा? सामने वाली पार्टी से डिमांड करूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ये सब मुझे झेलना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। एक बार आप लोग स्टोरी समझो, उसके बाद में आप लोगों को स्टोरी के हर एक पहलू की जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। बराबर है? प्लीज चेक थर्ड ऑप्शन इज एंडोर्स टू क्रेडिटर। सीरीज, अब ये क्या आया नया, एंडोर्स टू क्रेडिटर? आई एम टेलिंग यू, वही वाली स्टोरी, गुड सेल किए, वो मेरा डेटर बना, फिर उसने मुझे राइटिंग में प्रॉमिस दिया, दैट मींस कि वो बिल्स रिसीवेबल नाम का एक डॉक्यूमेंट आ गया। केस नंबर 1, मेरे पास पहला ऑप्शन ये है कि मैं उसको ड्रॉअर में रख दूं, 3 महीने तक वेट करूं, फिर पैसे मिले। दूसरा ऑप्शन ये है, लेके नीचे बैंक में चला जाऊं और बैंक वाला डिस्काउंट करके आज पैसे दे दे। तीसरा ऑप्शन, जैसे ही मैं बिल लेके आया, बिल क्या था, राइटिंग में प्रॉमिस कि मैं आपको 90 डेज के बाद 1 लाख रुपए दे दूंगा, इंसिडेंटली मेरी ऑफिस के डोर पे मेरा एक क्रेडिटर खड़ा। आपको पता है क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? हाँ। जिसको मुझे पैसे देने होंगे। एक क्रेडिटर खड़ा था डोर पे। मैंने बोला भाई क्या हुआ? तो बोला याद है सर, आपको 1 लाख रुपए पे करने थे। मैं बोला कब? तो उसने याद करवाया, 1 लाख रुपए पे करने थे। यस यस, आई हैव टू पे यू 1 लाख रुपीज। एक काम कर, 3 महीने बाद का ये प्रॉमिस है, तू ले जा। भाई पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 3 महीने बाद का ये प्रॉमिस है, तू ले जा। दिस इज कॉल्ड एंडोर्स टू क्रेडिटर। आज ही दे दिया, तू ले जा यहां से, 3 महीने बाद का प्रॉमिस। डन। 90 डेज लेटर, क्रेडिटर दिखना चाहिए ना आप लोगों को। क्रेडिटर किसके पास जाएगा? वो वाले पर्सन के पास जाएगा जिसने प्रॉमिस लिखी थी। ऑप्शन 1, पैसे मिल गए, आई विल बिकम स्पेक्टेटर, मैं तो प्रेक्षक हूं, तुझे तेरे पैसे मिल गए, वेरी गुड, तुझे पे कर दिए, वेरी गुड, मेरे बुक्स में कोई एंट्री नहीं, सबने अपना अपना काम कर लिया। लेकिन ऑप्शन 2 गजब है, गया पैसे नहीं मिले, तो वो तो क्यों झगड़ा करेगा वहां पे, वो तो पहचानता भी नहीं है, उससे कोई उसका रिलेशन भी नहीं है, उसके पास तो बस एक वो राइटिंग में प्रॉमिस था। लेकिन ये पर्सन पहचानता तो मुझे ना, मुझे फोन करके बोलेगा कि सर 1 लाख रुपए आपके आज भी बाकी है। मैंने बोला क्यों?
बिल डिसऑनर्ड हो गया, वो गलत वाली प्रॉमिस थी, नहीं हुआ फुलफिल, 1,00,000 रुपए आपको मुझे देने पड़ेंगे। आई सेड ओके भाई, तू मेरा फिर से क्रेडिटर बन गया, 1,00,000 आई एम सपोज टू गिव यू। उसने बोला 1,00,000 नहीं, 1,02,000। मैंने बोला भाई ये क्या था, तो बोला नोटिंग चार्जेस, बिल डिसऑनर हुआ है। मैंने बोला चार्ज तो तू बेयर कर ले, मैं क्यों बेयर करूं, आपकी वजह से लगा है। आई सेड ओके ओके नॉट टू वरी, मैं आपको 1,02,000 पे करूंगा। क्रेडिटर को तो समझा के घर भेज दिया। अब उसने मुझे जितना सुनाया ना कॉपी पेस्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं डेटर को क्या बोलूंगा, 1,02,000 चाहिए मुझे, 1,00,000 से काम नहीं चलेगा, 1,02,000 चाहिए, 1,00,000 तो लेने ही थे, 2,000 तेरी गलती की सजा। क्योंकि पैसे टाइम पे दे दिए होते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, समझ में आ रहा है। सो 1,02,000 तुझसे रिसीव हो भाई, पक्का पता चल रहा है 100%। फर्स्ट केस कौन सा था, थोड़ी और क्लैरिटी देनी है मुझे। आपको पता है जब मैंने डिस्काउंट करवाया था ना बैंक में, तब बैंक वाले ने 4,000 रुपए 3,000 रुपए कुछ काट लिए, जिसको हमने डिस्काउंट या तो इंटरेस्ट या तो बैंक चार्जेस, व्हाटएवर वर्ड्स यू वांट टू यूज। आपको पता है वो 3,000 या 4,000 रुपए आप इससे नहीं डिमांड कर सकते, वो तो आपको ही बेयर करने पड़ेंगे। आप लोग समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स यही नहीं समझते हैं कि कौन सा खर्चा किसको बेयर करना है। तो आप समझो यार, अगर मुझे 3 महीने जल्दी पेमेंट की जरूरत है और उसके लिए बैंक वाले ने 3,000 रुपए काट लिए, तो वो तो यार मेरा खर्चा है ना, वो तो मेरा प्रॉब्लम है ना, आई हैव टू बेयर इट। समझ में आ रहा है? लेकिन नोटिंग चार्जेस मैं कभी बेयर नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू टाइम पे पेमेंट नहीं करता, इट वॉज योर फॉल्ट, एंड दैट्स व्हाई नोटिंग चार्जेस विल बी चार्ज ऑन यू ओनली। पता चल रहा है? सो यार ये जब मैं स्टोरी बताता हूँ ना, तब ये लॉजिक क्लियर रखना, क्योंकि जब जर्नल आएगी ना तब आपको ये समझना पड़ेगा कि नोटिंग चार्जेस का अकाउंटिंग कहाँ पे होता है, डिस्काउंट का अकाउंटिंग कहाँ पे होता है। एक सेकंड, डिस्काउंट का अकाउंटिंग कहाँ पे होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, नोटिंग चार्जेस तो इतना जबरदस्त है। केस नंबर 2 में, थोड़ा ध्यान से ट्राई टू रिकॉल, केस नंबर 2 में आपको पता है बैंक वाले को नोटिंग चार्ज पे मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक ने तो मेरे अकाउंट से काट लिए, 1,00,000 भी काट लिए, 2,000 भी काट लिए, सो पे मुझे करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स रिमेम्बर, बेयर मुझे नहीं करना है, दैट मींस कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो डेबिट नहीं होना चाहिए, वो मेरा खर्चा ही नहीं है, वो डेबिट कहां होना चाहिए, सामने वाले के बुक्स ऑफ। बात दिमाग में उतर रही है कि नहीं उतर रही है, पता चल रहा है? तीसरा केस, ट्राई टू गिव योर बेस्ट। तीसरा केस, तीसरे केस में क्या हुआ पता है, नोटिंग चार्जेस पे इसको करने पड़ रहे हैं। वाई? बिकॉज डॉक्यूमेंट किसके हाथ में था, उसके हाथ में था ना, तो नोटिंग चार्जेस किसके पॉकेट में से गए, सामने किसके पॉकेट में से गए नोटिंग चार्जेस, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसने मेरे से चार्ज किए, लेकिन मैं भी बेयर नहीं करूंगा, मैं भी किसी और से चार्ज करूंगा, समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें ना अभी एक बार इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी क्लियर रख, जर्नल एंट्री लिखूंगा, एक्सट्रीम लेवल की क्लैरिटी आएगी, और उसके बाद जब हम सम सॉल्व करेंगे तब तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, समझ में आ रहा है? सो एक ही चीज तीन तीन चार चार बार होने वाली है, डोंट वरी। यस, योर क्वेश्चन। सर बैंक 3 मंथ के बाद नहीं, तो फिर नोटिंग चार्जेस क्या? बैंक 3 मंथ के बाद पे नहीं करे तो? नहीं, बैंक को पे नहीं करना है बेटा। नहीं मतलब वो 3,00,000 का, मतलब 1,00,000 का चेक था उसको, हमने 3 मंथ के लिए डिपॉजिट करा था। नहीं 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 नहीं, बैंक ने तो हमें एडवांस पेमेंट कर दिया था, वो 1,00,000 रुपीज में से 97,000 रुपीज का, और 3,000 तो उनका चार्ज था, वो तो हमने उसको दे दिया। फिर 3 महीने के बाद बैंक को तो रिसीव करना है ये रुपया, क्योंकि चेक मैच्योर हो जाएगा ना, वो जो बिल था वो मैच्योर हो जाएगा ना, तो बैंक को तो वो रिसीव करना है पैसा, तो सामने वाले से बैंक रिसीव करेगा। फिर 2 ऑप्शन होंगे, अगर रिसीव हो गया तो बात वहां पे खत्म हो जाती है, हमारे घर तक कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर रिसीव नहीं हुआ तो बैंक वाले हमसे ये पैसे लेंगे। समझ में आ रहा है? बैंक ने क्या किया, ये बिल को डिस्काउंट किया, डिस्काउंट करने का मतलब ये होता है बैंक ने तो हमें ऊपर से एडवांस पैसा दे दिया है। तो समझ, चेक पे मान ले अभी ये दिसंबर चल रहा है, तो चेक पे मार्च महीने की डेट लिखी हुई थी, तो बैंक ने हमें फिर भी आज के आज पैसा दे दिया, और उसके कुछ चार्जेस भी उन्होंने कट कर लिए। मतलब क्या हुआ, अब मार्च में बैंक को पैसा वहां से मिल जाना चाहिए, तो ऑप्शन 1 वहां से मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑप्शन 2 वहां से नहीं मिला तो बैंक हमसे ले लेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि बैंक तो बोलेगी कि अब आप जानो और आपकी जो पार्टी थी वो जाने, हमें क्या, बैंक को तो फ्री करना पड़ेगा ना हमें। समझ में आ रहा है? लास्ट केस इज कमिंग अप,
स्टोरी फॉर्म के अंदर राइट नाउ वी आर नॉट थिंकिंग क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, वो तो जब टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। लास्ट केस इज नोन एज बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BSFC, दैट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सी फ्रेंड्स, मोर और लेस ये वेट टिल मैच्योरिटी जैसा ही केस है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो 90 डेज की मैच्योरिटी की, मतलब 90 डेज का लिमिट थी, 90 डेज के बाद पैसे मिलने वाले थे, 85 डेज खत्म हो गए, तब तक तो मैंने कहां रखा, अपने कपबोर्ड के अंदर ही रखा हुआ है, मतलब कि अपने पास ही बिल रखा है। लेकिन यार जब मैंने बिल निकाल के देखा तो उसमें एड्रेस जयपुर का लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा यार मैं कहां जाऊंगा एक इतने पैसे लेने के लिए जयपुर, मतलब 3-4 दिन बिगड़ जाएंगे, अभी काम भी बहुत है ऑफिस में, ऐसा सब कुछ सोच के मैंने एक एजेंसी हायर की। जनरली बैंक वाले भी ये फैसिलिटी देते हैं, या तो कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी मैंने हायर की, ध्यान यहाँ पे सबका, मैंने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हायर की और उनको वो जो डॉक्यूमेंट था ना सिग्नेचर वाला, वो डॉक्यूमेंट मैंने उनको दे दिया। अब देख रहे हो, डॉक्यूमेंट मैंने उनको दे दिया और बोला जाओ जयपुर जाके ये पैसे कलेक्ट करके मुझे दो। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हम कलेक्ट तो करके देंगे लेकिन 600 रुपए इसका चार्ज लगेगा, कमीशन लगेगा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं खर्चा वगैरह, ठीक है ना। वी सेड ओके फेयर इनफ, मैं दे दूंगा आपको 600 रुपीज, आप जाओ 1,00,000 रुपए कलेक्ट करके। सबका यहाँ पे हाँ सर, मैंने 4-5 दिन बाकी थे तब मैंने उनको बिल्स रिसीवेबल नाम का डॉक्यूमेंट दे दिया था और उनको भेज दिया कि जाओ पैसे लेके आओ। नाउ ऑप्शन वन, 4-5 दिन के बाद ऑप्शन वन, एक तो वो लोग पैसे लेके आ जाएंगे, अगर वो लोग पैसे लेके आ जाएंगे तो वो मुझे कैश में देगा 99,400। वो बोलेगा कि सर 99,400 आपके ले लो, 600 रुपए मैंने काट लिए मेरे कमीशन के एंड आपका ये काम मैंने खत्म कर दिया। पता चला कि नहीं चला? लेट मी टेल यू, ये जो कमीशन के 600 रुपए है ना, वो मेरा खर्चा है। भाई फैसिलिटी किसे चाहिए थी? जयपुर ना जाना पड़े इसलिए फैसिलिटी किसे चाहिए थी? मुझे चाहिए थी। तो आई कैन नॉट चार्ज फ्रॉम अदर पार्टी, वो तो रेडी था बेचारा पेमेंट करने के लिए, तो उसका तो कोई फॉल्ट नहीं था। तो 600 रुपीज मेरे बुक्स में ही डेबिट हो। आई होप यू आर गेटिंग इट, बराबर है। तो ये कमीशन है। केस तो उसने बोला पैसा नहीं दिया, लेकिन अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई से ओके भाई नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा उसके साथ। उसने बोला देख तो आप बाद में लेना, पहले मेरे 600 रुपए लाओ। आई से डी यार अभी काम तो हुआ नहीं, काम नहीं हुआ उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं, मैं उसके घर तक जाके आया हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 600 रुपए तो मुझे देने ही पड़ेंगे आपको। आई से ओके ऑल राइट, तेरे हक के बनते हैं, पकड़ो 600 रुपए, आउट ऑफ पॉकेट 600 गए मेरे। फिर उसने बोला 2,000 लाओ। ऐसे भाई अभी ये क्या है 2,000? नोटिंग, डिसऑनर तो होगा ना, लीगल प्रोसेस तो करनी पड़ेगी ना। मैंने कर दिया, आपको रिसिप्ट वगैरह चाहिए तो आप ले लो, 2,000 और लाओ। मैंने 2,000 और दिए पॉकेट से। लेकिन फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, 600 रुपए खर्चा मेरा था, लेकिन 2,000 तो मैं सामने वाली पार्टी से चार्ज करूंगा। डू यू अग्री विथ मी? 2,000 लगने में फॉल्ट किसका था? सामने वाली पार्टी का। और 600 में उसका कोई फॉल्ट नहीं था। 600 तो यार मुझे बहुत फैसिलिटी एंजॉय करनी थी कि भाई तू जा मेरे बिहाफ पे, तू मेरा काम निपटा दे, तो यार कमीशन तो देना पड़ेगा। तो 600 वॉज माई एक्सपेंस एंड 2,000 हम लोग उससे चार्ज करते। इज इट फाइन विद एवरीवन? अगर इस स्टोरी में आप लोगों को पता चला ये चारों केस में आपको सीआई मिले कि जब मैं स्टोरी बोलता हूँ तो 30% 40% क्लियरिटी आती है, जर्नल एंट्री लिखता हूँ तब और 30-40% यानी 70-80% के लेवल पे आप पहुंचोगे, पर फिर हम लोग जब एक्चुअल पे एग्जांपल्स करेंगे 100% हो जाएगा। सो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आप लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट करोगे। इज इट फाइन? अब मैं ना एक छोटा सा एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिसपे मैं चारों केस एक के बाद एक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। सो ध्यान यहाँ पे सबका, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केस वन, वेट टिल मैच्योरिटी वाला, बराबर है। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹1,00,000 एंड ड्रॉन अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹1,00,000 फॉर 3 months ऑन वाई, वाई एक्सेप्टेड। आप समझ रहे हो, यही थी ना मेरी स्टोरी। हमने मतलब एक्स ने गुड सेल किया किसको, वाई को, फिर हमने बिल ड्रॉ किया, मैंने बोला था ना बिल भी हमें ही बनाना पड़ेगा, और फिर वाई मतलब वो साहब तो सिर्फ क्या करेंगे, साइन करके आपको बिल लौटा देंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वाई ने
एक्सेप्ट कर दिया। नाउ सी, सबसे बढ़िया क्लैरिटी कब आएगी आपको पता है, मैं जर्नल एंट्री लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ एक्सपी लिखूंगा एंड साथ साथ मैं क्या कहां पे लिखूंगा, इन द बुक्स ऑफ वाई लिखूंगा। दिस इज समथिंग ब्रिलियंट। आपको एक्स बन के सोचना है, फिर वापस से वाई बन के सोचना है, फिर वापस एक्स बन के सोचना है, फिर वाई बन के सोचना है, वो चलता है। लेकिन नॉट टू वरी, मैं आपके साथ हूं, आप लोग यहां पे ध्यान दो। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, हम कौन है अभी, एक्स है। दैट मींस कैन आई से हमने वाई को गुड सेल किए 10,000 रुपए, क्या कह सकते हैं हमने वाई को गुड सेल किए 10,000 रुपए के, क्या जर्नल एंट्री होगी, कैन आई राइट डाउन वाई इज 1 lakh, टू सेल्स, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सेल्स अकाउंट, इज इट फाइन। साइमल्टेनियसली हमें क्या चेक करना है, साइमल्टेनियसली अब वाई की बुक्स पे सोचो हमें कौन बन जाना पड़ेगा, वाई बन जाए, यहाँ पे आऊंगा तो हम वाई बन जाएंगे, समझ में आ रहा है। अब एक्स ने हमें गुड सेल किया है, एक्स ने हमें सेल किया है, तो क्या नहीं से मैंने एक्स से परचेज किया है। भाई बात तो एक ही हुई ना, आप एक्टिव वॉइस बोलो या पैसिव वॉइस बोलो, बात तो एक ही होती है, एक्स ने मुझे सेल किया है, या तो मैं ऐसा बोलूंगा मैंने एक्स से परचेस किया है, बात एक ही हुई, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से चलो एक थोड़ा सा डेट वेट अज्यूम कर लें, 1st January अज्यूम करूंगा तो चलेगा ना, ठीक है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी आर अज्यूमिंग 1st January। इमीडिएटली हमने क्या किया है, हमने मतलब एक्स में आ जाता हूँ मैं वापस, हमने क्या किया है, एक बिल ड्रॉ किया है, बाय एक्सेप्ट भी कर लिया, तो कहना है 1st January को ही हमें क्या मिलेगा, सी फ्रेंड्स, बिल्स रिसीवेबल इज एन असेट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स रिसीवेबल में लेके आया, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, देने वाला पर्सन कौन था, भाई इज द गिवर। देखो भाई साइमल्टेनियसली सबके बारे में, यानी एक्स के बारे में वाई के बारे में सोचना थोड़ा तो डिफिकल्ट है ही, लेकिन हम लोग आराम से करेंगे। अब हम बन जाते हैं बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ होके आया है, यू हैव टू विजुअलाइज द एंटायर ट्रांजेक्शन, किसी ने वो लेटर बना के हमारे पास भेजा है, हमें साइन करनी है, कहना इसे हमने एक्सेप्ट किया, यहाँ भाई मैं पे कर दूंगा 3 महीने के बाद, तो कहना इसे मेरे लिए बिल्स पेएबल बन जाएगा, सो बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी 1 lakh rupees, एंड हु इज द रिसीवर, एक्स अकाउंट डेबिटेड 1 lakh। लेकिन यार मैं जबरदस्त इंटरेस्टिंग बात बोलूं, लोगों की मतलब लोगों का ध्यान नहीं जाता है वहां पे, लेकिन आपको देखना चाहिए। आपको पता है मैंने जब वाई को गुड सेल किया तब वाई मेरा डेटर बना था, लेकिन वाई ने सिर्फ प्रॉमिस दिया तो वो डेटर बंद हो गया, देख रहे हो, वाई अकाउंट डेबिट किया था मैंने 1 lakh rupees, दैट मींस व्हाट, वाई को मैंने डेटर बनाया था, फिर उसने पेमेंट तो नहीं किया अभी तक, सिर्फ क्या किया है प्रॉमिस प्रॉमिस किया, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। अब ऐसा हो सकता है कि आप बोलोगे कि सर यार सिर्फ प्रॉमिस पे आपने बंद कर दिया उसका अकाउंट, भाई करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ क्यों। मान लो आपसे 10,000 rupees फीस लेनी है मुझे, अगर आप ऐसा कहते हो कि सर 15 दिन बाद का ये चेक है, तो मैं क्या मान लूंगा, भाई फीस मिल गई आपको, थोड़ी रोज सुबह उठ के आपको आपसे डिमांड करूंगा कि ये फीस फीस फीस, आपने चेक दे दिया ना, प्रॉमिस दे दिया ना, चेक भी क्या एक टाइप का वही है ना कि 10 दिन के बाद सर ये डिपॉजिट करवा देना, तो आज तो मुझे पैसे मिले नहीं है, लेकिन हाँ एक इंस्ट्रूमेंट मिल चुका है जिसपे ऐसा लिखा हुआ है कि 10 दिन के बाद मुझे पैसे मिले, 20 दिन के बाद पैसे मिलेंगे या 30 दिन के बाद पैसे मिलेंगे, समझ आ रहा है, तो ये भी एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है ना। तो कहना है जब वाई डेटर बना फिर वाई डेटर क्लोज हो गया, कैसे पता चला, पता है ये डेबिट हुआ, सामने क्या हो गया क्रेडिट, यहाँ पे भी देखो एक्स क्रेडिटर बना था फिर एक्स क्लोज भी हो गया, क्योंकि मैंने एक प्रॉमिस दी, पैसे नहीं दिए लेकिन पैसे की जगह पे प्रॉमिस दी। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर केस 1, वेट टिल मैच्योरिटी। नाउ फ्रेंड्स रिमेम्बर, जब मुझे बिल मिलता है जिसको मैं ड्रॉवर में रख देता हूँ, ऐसा सोचता हूँ कि भाई अब तो मुझे वेट करनी है, कब तक, मैच्योरिटी तक, 3 महीने तक वेट ही करना है, तो लेट मी टेल यू उसकी कोई एंट्री नहीं आती है भाई, बिकॉज मैं वेट कर रहा हूँ, मैं बैंक में डिस्काउंट करवाता हूँ तो एंट्री आती है, मैं किसी फ्रेंड को या क्रेडिटर को देता हूँ एंट्री आती है, समझ में आ रहा है, लेकिन अब मैं वेट कर रहा हूँ, बस बिल ऐसे ही पड़ा है, किसी को नहीं देता हूँ, तो इसकी कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं आएगी। लेकिन वेट करने के बाद यानी कि 3 months later option 1 बिल इज ओनर्ड बाय मिस्टर वाई। बिल इज ओनर्ड का मतलब क्या हुआ, यानी आप सबका, बिल इज ओनर्ड का मतलब क्या हुआ पता है, बिल के पैसे टाइम पे उसने दे दिए, दैट इज कॉल्ड ओनर्ड।
एंड डिसऑनर्ड का मतलब क्या हुआ, उसने पैसे नहीं लिए, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर्ड. बिफोर गोइंग बैक टू दिस केस, अ स्मॉल पॉइंट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. 1 जनवरी का बिल था, कितने महीने का टर्म था, 3 महीने. तो जनवरी से फेब्रुवरी 1 मंथ, फिर मार्च, फिर अप्रैल. तो कहने से 1 अप्रैल डेट आएगी. रिमेम्बर फ्रेंड्स, ये जो 1 अप्रैल डेट है ना, वो ड्यू डेट है. देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड मैच्योरिटी डेट. क्या होता है मैच्योरिटी डेट? ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, वो एक कायदे से गवर्न होता है. मतलब एक लॉ है इसके पीछे, लीगल है ये डॉक्यूमेंट. और लॉ ऐसा कह रहा है कि कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को 3 दिन एक्स्ट्रा देने के पेमेंट के. लॉ कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रूल है, 3 दिन एक्स्ट्रा देने के. तो कहना ही से ड्यू कब होता है? 1 अप्रैल को. लेकिन 3 दिन अगर मैं एक्स्ट्रा देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 4 अप्रैल. भाई पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? फिर से एक बार, जब भी बिल मिलता है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसका जो टर्म होगा, इसको मैं क्या कहता हूँ पता है, इसको टर्म कहता हूँ, टर्म ऐड करूंगा. टर्म ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? और हर एक ड्यू डेट के अंदर क्या करना है? 3 डेज ऑफ ग्रेस जिसे बोलते हैं. क्या बोलते हैं? 3 डेज ऑफ ग्रेस. वर्ड क्या है? 3 डेज ऑफ ग्रेस. 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करना है. जब मैं ऐड करूंगा तब क्या बनेगा? वो मैच्योरिटी डेट, यानी ऐसा डेट जिस डेट पे आपको पेमेंट मिलेगा. तो देखो यहाँ पे कहना इसे मैच्योरिटी डेट, यानी 4 अप्रैल को पेमेंट मिलेगा. पेमेंट मिल गया, क्यों? क्योंकि ये तो ऑनर्ड हुआ है. तो कहना इसे कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपए मिल गए. एंड कहना इसे मेरा बिल्स रिसीवेबल चला गया. मैं उसको दे दूंगा ना बिल्स रिसीवेबल. लो ले जाओ. पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इन द बुक्स ऑफ फाइल वो बोलेगा, भाई मैं पेमेंट कर देता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ, इसलिए बिल्स पेएबल लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगी. और सामने वो कितना पेमेंट करेगा? कैश का पेमेंट 1 लाख रुपए कर देगा. ध्यान यहाँ पे सबका समझ में आ रहा है? ऑलवेज रिमेम्बर. एक और जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं आपको, ये जो बिल्स रिसीवेबल आपने पहले डेबिट किया था ना, वो क्या हो गया? क्रेडिट. इसे क्लोज हो गया. आपको लगेगा हाँ सर पैसे मिल गए तो क्लोज तो होना ही चाहिए ना. बिल्स पेएबल पहले क्रेडिट हुआ था, अब क्या हो गया? डेबिट. कहां सर क्लोज तो होना ही चाहिए, पैसे पे कर दिए तो क्लोज को होना ही चाहिए. बट लेट मी टेल यू टू योर सरप्राइज, पैसे नहीं भी मिलेंगे ना तो भी क्लोज. क्यों पता है? जो बिल है ना बिल, जब उसका जन्म होता है ना, बर्थ, उसी दिन उसका डेट ऑफ डेथ फिक्स होता है. कि मैक्सिमम 4 अप्रैल तक ये जिंदा रह सकता है. आई एम यूजिंग द वर्ड मैक्सिमम, यानी कि उससे पहले कभी भी मर सकता है. आई होप यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स. आई एम टेलिंग यू, 1 जनवरी को जब भी उसका बर्थ हुआ ना, तब उसने बोला 3 महीने मैंने ऐड किए, फिर लॉ ने बोला 3 डेज ऑफ ग्रेस मैंने वो भी ऐड किए. बट उसके बाद जो दिन आता है ना, वो फाइनल जजमेंट डे होगा. मतलब कोई भी बिल, चाहे बिल्स रिसीवेबल हो या बिल्स पेएबल हो, उसकी मैक्सिमम जिंदा रहने की डेट फिक्स है 4 अप्रैल. 4 अप्रैल को उसको मरना ही है. समझ लो, दो तरह से मर सकता है, पैसे देके भी मरना है, पैसे नहीं देके भी मरना है. आपको बताता हूँ मैं. आपको लगेगा सर पैसे नहीं दिए तो कैसे मारेंगे मुझको, मैं बताता हूँ. यहाँ पे ऑप्शन 2, बिल इज डिसऑनर्ड बाय रजिस्टर ऑन ड्यू डेट और ऑन मैच्योरिटी डेट, नोटिंग चार्जेस ₹2000. बोलो चलेगा? ठीक है, नोटिंग चार्जेस कितने लगे? ₹2000. अब ध्यान यहां पे सबका, 4 अप्रैल देखो, बिल्स रिसीवेबल डेबिट बैलेंस जिंदा था, फिक्स है 4 अप्रैल तक. अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो अब तो मारना ही पड़ेगा. 1 लाख रुपए गया बिल, बिल तो गया, साथ में मेरे ₹2000 भी गए, आया ना मेरे पॉकेट में से. और ये पूरा अमाउंट मैं भाई से मांगूंगा, बिकॉज भाई इज द कल्प्रिट. ये मिस्टेक किसकी थी? भाई की मिस्टेक थी. तो भाई को मैंने बोला कि भाई 1 लाख तो तुझे देना ही है, वो तो तू डिनाई कर ही नहीं सकता, लेकिन उसके साथ साथ मैं तुझसे ₹2000 भी लूंगा भाई, बिकॉज वो नोटिंग चार्ज भी तेरी गलती की वजह से लगा है, बाकी ये नहीं लगने वाला. समझ में आ रहा है? ठीक है, भाई क्या बोलेगा? भाई उसकी बुक्स में बोलेगा, अच्छा ठीक है पहले मुझे बिल्स पेएबल को क्लोज करने दो. आया ना? हाँ सर. फिर ऑप्शन 1 क्या था? कि भाई उसने सामने पेमेंट कर दिया तो
पेमेंट यानी कैश, लेकिन पेमेंट नहीं किया। सो वो क्या कहता है पता है, ये सारा रुपया मुझे एक्स को देना है। वो जैसे ही यहाँ पे 1 लाख लिखने गया ना, एक्स वहां से चिल्ला है 1,02,000। तो 2,000 रुपए वैसे भी नोटिंग चार्जेस, फ्रेंड्स उसका ही उसकी गलती थी ना, तो नोटिंग चार्जेस उसके बुक्स में ही क्या होने चाहिए, डेबिट होने। देखा आप लोगों ने कैसा सब सेट हो रहा है, जबरदस्त खतरनाक, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर ये समझ में आ रहा है, ये हुआ केस वन। ऐसे मैं आपको 4 केस सिखाऊंगा, ये था वेट टिल मैच्योरिटी। अब क्या करेंगे हम लोग, लेकिन देखो मोर ऑर लेस, अगर हम लोग मोर ऑर लेस समझे तो सब सब फंडामेंटल्स को सही भी जा रहे हैं। पैसे मिले तो क्या, पैसे नहीं मिले तो क्या, वो हमेशा ऑप्शन नहीं रहेगा, दोनों को हो नहीं सकता ना। मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो ये करेंगे, समझ में आ रहा है। चलो अभी हम लोग देखते हैं केस टू। सी फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान अभी देना, सेम एक्स सोल्ड गुड्स टू बाय 4 रुपीज 1 लाख चलेगा। एंड यही मैं डॉट 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 करता हूँ, यानी आप समझ जाओगे कि हमने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट किया, हमने ले लिया बिल, ठीक है ना। यहां तक तो हो गया, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो इन द बुक्स ऑफ एक्स, एंड बाजू में क्या क्रिएट करेंगे, इन द बुक्स ऑफ वाई। यहां पे ध्यान सबका, इन द बुक्स ऑफ एक्स, पहले तो 1 जनवरी को क्या एंट्री होगी, हमने तो सेल किया है ना, सो वाई अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपए, सेम सेम ही एंट्री होगी ना टू सेल्स अकाउंट। ये लोग क्या सोचेंगे, भाई हमने तो परचेस किया है, सो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट कितना, 1 लाख। भाई वो सब लोग यहाँ पे, अब क्या होगा, उसी दिन मुझे बिल्स रिसीवेबल मिलने वाला है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट, 3 महीने का बिल्स रिसीवेबल मिला। ये बोलता है हमने बिल्स पेबल दिया है, तो एक्स इज द रिसीवर टू बिल्स पेबल अकाउंट। फुल ध्यान यहाँ पे, मिल गया बिल्स रिसीवेबल, मिल गया बिल्स रिसीवेबल। अब केस क्या कहता है, डिस्काउंटेड विद बैंक, डिस्काउंटेड विद बैंक। ध्यान यहाँ पे, मैं इंस्ट्रक्शन लिखूंगा यहाँ पे, एक्स डिस्काउंटेड बिल विथ बैंक एंड बैंक चार्ज्ड ₹3,000 एज डिस्काउंट। फ्रेंड्स डू यू अंडरस्टैंड, एक्स आप लोगों को विजुअलाइज होना चाहिए, हो एक्स मतलब हम लोग वो बिल लेके नीचे फेडरल बैंक के अंदर गए और बैंक वालों को बोला कि इसको डिस्काउंट करके दो, बैंक ने 3,000 रुपए डिस्काउंट के काट लिए। तो क्या आपको लग रहा है, क्या आप देख सकते हो कि बैंक ने आपको 97,000 रुपीज दिए, 97,000 रुपीज मिले मुझे, तो कैन आई राइट डाउन ऑन 1 जनवरी बैंक अकाउंट डेबिटेड 97,000 पैसे आए, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट लिखो या कैश अकाउंट डेबिट लिखो, लिखना पड़ेगा पैसे आए, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 3,000 बैंक ने काट लिए एंड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कहने से बिल्स रिसीवेबल नाम की जो चीट थी वो चली गई। अब फोकस करो, मैंने आपको बोला था कि बिल्स रिसीवेबल की मैक्सिमम जिंदा रहने की तारीख है 4 अप्रैल, ये तो उससे पहले मर गया, हमारी बुक्स में तो एटलीस्ट मर गया, देख सकते हो यहाँ पे डेबिट था ना, सामने निकल गया परफेक्ट। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या होगा, नो एंट्री। आई एम टेलिंग यू क्यों, वाई है ना, वाई वाई, हम वाई बन जाते हैं, हमने एक्स को बिल दे दिया, अब एक्स जाता है बैंक में डिस्काउंट करवाता है कि नहीं, से वो एक्स की और बैंक की पर्सनल मैटर है, मुझे क्या, मैं तो बैठा रहूंगा एंड इन अ वे मैं तो देखूंगा भी नहीं कि भाई तुझे वेट टिल मैच्योरिटी करना है, कर तू डिस्काउंट करवा, तू एंडोर्स कर, तू कलेक्शन के लिए भेज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे वहां पे तू 4 अप्रैल को आना, फिर मैं डिसाइड करूंगा ऑप्शन 1 पैसे देने हैं, ऑप्शन 2 पैसे नहीं देने। तब तक यहाँ पे दिख रहा मत, तब तक बिल के साथ तुझे जो खेलना है खेल सकता है, तेरे पास 4 ऑप्शन। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो क्यों एंट्री देगा, वो तो बोलेगा मैंने आपको 4 अप्रैल का बुलाया ना, टाइम होने के बाद आना, फिर नक्की करूंगा पैसे देने नहीं देने।
फिर भी मेरे पास तो दो ऑप्शन रहे, समझ में आ रहा है? डन कंप्लीट। हमने क्या किया, हम पैसे लेके आ गए, हमारे वहां से बिल्स रिसीवेबल चला गया, किसके पास चला गया? बैंक के पास। याद रखना ये बिल्स रिसीवेबल नाम का डॉक्यूमेंट अब फेडरल बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है। इज इट फाइन विद एवरीवन? ओके नाउ ऑप्शन वन, बिल इज ऑनर्ड बाय ऑन ड्यू डेट, ठीक है ना? थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, फेडरल बैंक भाई के घर गया, भाई ने पेमेंट कर दिया, मैं स्पेक्टेटर, ये तो प्रेक्षक हूं ना, उसको उसका पैसा मिल गया, उसने दे दिया, मुझे क्या पता चल रहा है कि नहीं? तो कैन आई से हियर ऑन 4th अप्रैल नो एंट्री? भाई क्या कहता है पता है? भाई कहता है कि सब चीजें साइड में रखो, मेरे वहां पे बिल्स पेबल जिंदा है, फिक्स है। आपको लगेगा सर यहाँ क्यों नहीं किया, भाई यहाँ ऑलरेडी वो काम खत्म हो चुका, अगर नहीं हुआ होता तो ये काम मुझे करना पड़ता। दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द फंडामेंटल्स प्रॉपरली। अब क्या होगा पता है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, और मुझे तो भाई पैसे भी दे देने हैं, कैश और बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। सी भाई का काम तो जबरदस्त है, भाई तो बोलता है भाई मुझे क्या, डॉक्यूमेंट लेके एक्स आएगा तो मैं उसको पैसे दे दूंगा, बैंक वाले आएंगे तो मैं उसको पैसे दे दूंगा, कोई जेड करके नया पर्सन आएगा तो मैं उसको पैसे दे दूंगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एजेंट आया तो उसको पैसे दे दूंगा। मेरी तो एक ही कंडीशन है, साइन वाला डॉक्यूमेंट लेके आना, जिसको आना है वो आ सकता। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ओनर्ड का मतलब तो क्या हुआ, जो आया उसको मैं तो पैसे दे दूंगा, मैं भी मेरी मेरा जो पूरा जो मैटर है वो भी सॉल्व, खत्म बात। ओके लेकिन ऑप्शन टू मोस्ट इंटरेस्टिंग, बिल इज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस फ्रेंड्स ₹2000 क्या नहीं आ रहे। 4th अप्रैल बहुत बुरा दिन था हमारे लिए, बैंक ने काट लिए 1,02,000, कहना इसे बैंक गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन मैं क्या करूंगा पता है, ये सारा पैसा कहना इसे मैं भाई से चार्ज करूं, आया ना? भाई क्या करेगा, भाई बोलेगा बाकी सब रखो साइड पे, पहले बिल्स पेएबल क्लोज करने दो, वो तो नियम के हिसाब से उसको तो क्लोज करना ही पड़ेगा। भाई बोलेगा अगर मैं पैसा दे देता तो अच्छी बात थी, लेकिन अगर पैसा नहीं दिया तो ऐसा दिखाना पड़ेगा मनी इज पेएबल टू एक्स, एक्स वापस मेरा क्रेडिटर बन जाएगा, लेकिन 1 लाख से नहीं बनेगा, कितने से बनेगा? 2,000 से। और 2,000 रुपए मुझे यहाँ पे पड़ेंगे नोटिंग चार्जेस अकाउंट। इज इट फाइन विद एवरीवन? ओके दोनों केस मैंने आप लोगों को करवा दिए, आई एम टेलिंग यू कि ये केसेस के बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं। ये दोनों केसेस आपको अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद मैं केस 3 और केस 4 भी करवाऊंगा। इज इट फाइन? राइट इट डाउन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, वेट टिल मैच्योरिटी एंड डिस्काउंटेड विद बैंक, लेट अस स्टार्ट विद एंडोर्स टू क्रेडिटर। नाउ इट्स केस 3, एंडोर्स टू क्रेडिटर्स। सी इनिशियल ट्रांजेक्शन विल रिमेन सेम, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹1,00,000 एंड एक्स ड्रू अ बिल ऑफ ₹1,00,000 फॉर 3 months ऑन वाई, एक्स ड्रू अ बिल ऑफ ₹1,00,000 फॉर 3 months ऑन वाई, वाई एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट। ऑलराइट एंड ये सब हो कौन से डेट पे रहा है? 1st जनवरी को हो रहा है, हम लोग सिर्फ ये अज्यूम करते हैं, सब कौन सी डेट पे हो रहा है? 1st जनवरी को। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर कोई बिल 1st जनवरी का है, उसकी टर्म 3 महीने है, तो उसकी ड्यू डेट हो जाती है 1st अप्रैल, लेकिन उसमें हमें 3 days ऑफ ग्रेस देना पड़ता है, पता है ना ये रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से 3 दिन हमेशा एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अगर मैं 3 दिन एक्स्ट्रा देता हूँ तो ये कौन सा हो जाएगा? 4th अप्रैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 4th अप्रैल हो जाएगा। इज इट फाइन विद एवरीवन? ऑलराइट सो
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे दो पार्ट्स करेंगे. क्या दो पार्ट्स होंगे? इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड दूसरा पार्ट रहेगा इन द बुक्स ऑफ वाई. चलो यहाँ पे ध्यान. फर्स्ट जनवरी को आपने अगर इसको सेल किया है तो क्या इसे बाय अकाउंट डेबिट टू सेल. सिंपल वाली जर्नल एंट्री है कि हमने सेल किया तो सामने वाला इंसान कौन बन जाएगा? हमारे लिए डेटर बन जाएगा. और यहाँ पे क्या है? इसके लिए परचेज है. सो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट और वो भी कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज. इज इट फाइन? इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स? फर्स्ट जनवरी को बिल्स रिसीवेबल मिला हमें. सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बाय अकाउंट. हमने वाई को रिलीज कर दिया. वाई हमारा डेटर था लेकिन उसने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन एज ऑफ नाउ उसने प्रॉमिस किया कि मैं 3 महीने के बाद पैसे दूंगा. तो हमने उसको रिलीज कर दिया. कोई बात नहीं, आपके इट इज एज गुड एज पैसे आ गए. मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी समझाया था कि अगर कोई स्टूडेंट फीस के बदले में 10 दिन के बाद का या 1 महीने के बाद का चेक दे देता है एज ऑफ नाउ, तो मुझे उसको रिलीज कर देना पड़ेगा मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से. द रीजन इज अगर मैं इसको रिलीज नहीं करता तो स्टाफ में से रोज कोई ना कोई फोन करेगा आपकी फीस पेंडिंग है, आपकी फीस पेंडिंग है. बट इनफैक्ट उसने तो चेक दे दिया है. हाँ, अगर उसका चेक डिसऑनर्ड हो जाता है ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट, अगर उसका चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो वो वापस से मेरा क्लाइंट मेरा डेटर बन जाएगा. हाँ या ना? पता चल रहा है? अगर ओनर हो गया तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर डिसऑनर्ड हुआ तो वो वापस से मेरा डेटर बन जाएगा, अगेन बन जाएगा. समझ में आ रहा है? ओके. लेगेसी यहाँ पे क्या होगा? ये तो बोलेगा मैंने बिल्स पेएबल दिया है, सो एक्स इज द रिसीवर 1 लाख रुपीज एंड टू क्या हो जाएगा? बिल्स पेएबल अकाउंट 1 लाख रुपीज. इज इट डन? अब देखो एक्स के पास बिल्स रिसीवेबल आ गया. वही वाली सिचुएशन, एक्स के पास बिल्स रिसीवेबल आ गया. अब एक्स के पास एक्चुअली देखने जाए तो 4 ऑप्शन है. वो वेट कर सकता है. वेट करने के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं देनी पड़ती है. वो डिस्काउंट करवा सकता है बैंक के साथ. अगर डिस्काउंट करवाएगा तो सिर्फ एक्स की बुक्स में जर्नल एंट्री आएगी. वाई तो बोलेगा भाई मेरे वहां से तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, मैं तो आपको तो 3 महीने के बाद आना, मैं देखूंगा तो पैसे पे करने नहीं करने, आज कुछ नहीं, ठीक है. अब तीसरा ऑप्शन, हम लोग इस बिल को एंडोर्स करेंगे किसी क्रेडिटर को. क्रेडिटर मतलब क्या? जिसको हमें पैसे देने होते हैं, ठीक है. सो एक्स क्या करेगा? किसी को एंडोर्स करेगा. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन दिया है कि एक्स एंडोर्स अबोव बी आर टू मिस्टर जेड, क्या कर दिया उसने? मिस्टर जेड को एंडोर्स कर दिया, ठीक है. सेम डेट को किया है मान लेते हैं, तो फर्स्ट जनवरी को क्या होगा? कहने से जेड इज द रिसीवर, सो जेड अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल गया. भाई बिल्स रिसीवेबल कहां से कहां ट्रैवल करना है ना, ध्यान रखना. पहले बिल्स रिसीवेबल हमारे पास आया, अब हमने इसको किसे दे दिया? जेड को दे दिया, तो हमारे वहां से चला गया और जेड के पास चला गया, ठीक है. लेकिन और यहाँ पे कहने राइट डाउन, यहाँ पे नो एंट्री. वेरी गुड, यहाँ पे नो एंट्री. लेकिन यार यहाँ पे अभी एक नया और एक चीज क्रिएट होगी, वो होगा इन द बुक्स ऑफ जेड. फॉर अ व्हाइल लेट अस बिकम जेड, हम जेड बन जाते हैं, तो हमको एक्स ने बिल दिया तो कहने से मेरे लिए रिसीवेबल हुआ. और कैन आई राइट डाउन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड? सी फ्रेंड्स क्या होगा क्रेडिट? यस, वेरी गुड. मिस्टर एक्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. पक्का पता चल रहा है इसके अंदर? ओके. सो क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स अकाउंट. इज इट फाइन विद एवरीवन? ओके. अब क्या होगा? अब 3 महीने के बाद, 3 मंथ्स लेटर मैच्योरिटी का दिन आ गया. तो देखो यहाँ पे ध्यान, अभी ऑप्शन वन ऑप्शन टू करेंगे. ऑप्शन वन, मिस्टर वाई ऑनर्ड द बिल ऑन ड्यू डेट. समझ में आ रहा है आप लोगों को? 4 अप्रैल को मिस्टर वाई ने क्या कर दिया? ओनर कर दिया कि भाई लो आप अपने पैसे ले जाओ. तब होगा क्या? आप सोचो मेरी बात. यहाँ पे ध्यान, बिल किसके पास है? जेड. वेरी गुड, बिल जेड के पास है. तो जेड बिल लेके जाएगा कहाँ पे? वाई के घर जाएगा, और वाई के घर से उसको पैसे मिल जाएंगे. तो कहना इसे इसमें एक्स का क्या रोल होगा? सुपर, एक्स का कोई रोल नहीं है. एक्स विल बिकम स्पेक्टेटर कि जेड गया वाई के घर पे और वाई ने उसको पेमेंट कर दिया और बात खत्म हो गई, ठीक है. ऑलराइट, सो प्लीज चेक. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 अप्रैल को इट इज, कहने से कैश मिल गया होगा. कैश या बैंक कोई भी लिख सकते हो आप लोग अमाउंट. सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट.
मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मे बी आपको सम सॉल्व करने के लिए ये इतना यूजफुल नहीं होगा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे ध्यान, मैंने आपको कल बताया था कि बिल्स रिसीवेबल का जिस दिन जन्म होता है ना, उसी दिन उसकी डेथ की डेट फिक्स हो जाती है। तो बिल्स रिसीवेबल कहीं पे भी है, किसी के भी पास है, उसकी डेथ की डेट फिक्स है। तो अगर ये 1 जनवरी को उसका बर्थ हुआ था, तो उसकी डेथ की डेट कौन सी थी? 4 अप्रैल फिक्स थी। अब आप समझो, मैंने तो यहाँ पे 4 अप्रैल से पहले ही कंप्लीट कर दिया था, लेकिन इसके घर पे बिल्स रिसीवेबल जिंदा था, तो उसको उड़ाना पड़ेगा। 2 बिल्स रिसीवेबल पैसे मिल गए, बात ठीक हो गई। ठीक है, यहाँ पे कैन आई राइट डाउन 4 अप्रैल नो एंट्री? यहाँ पे बच इसलिए गए क्योंकि यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल ऑलरेडी कैंसिल हो गया था, समझ में आ रहा है? अदरवाइज तो उड़ाना पड़ता है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, ये बोलेगा मैं पेमेंट कर देता हूँ, इसके वहां पे पेबल क्रेडिट है तो मैं डेबिट कर दूंगा 1,00,000 रुपए, और सामने क्या कर देंगे हम लोग, मिस्टर सॉरी टू कैश 1,00,000, इज इट डन? ठीक है, नाउ ऑप्शन टू, मिस्टर वाई डिसऑनर्ड द बिल ऑन ड्यू डेट, नोटिंग चार्जेस ₹2,000, इज इट फाइन? अब आप लोग समझो, जेड क्या बोलेगा, यार मैं तो बिल लेने पैसे लेने गया, तो पहले बिल तो क्लोज करना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी तो 4 अप्रैल डेट फिक्स है ना, तो इसको तो क्लोज कर दिया। नोटिंग चार्जेस मेरे पॉकेट में से गए, आप लोग समझो यार, बिल जिसके पास होगा उसको नोटिंग देना पड़ेगा, तो एक बार तो उसके पॉकेट में से जाएंगे, किसके पॉकेट में से, जेड के पॉकेट में से, कि भाई नोटिंग चार्जेस गए मेरे पॉकेट में से, तो अब जो ये 1,02,000 रुपया है वो सारा वो किससे डिमांड करेगा, एक्स से डिमांड करेगा, वो बोलेगा भाई मैं तो वैसे भी वाई को नहीं जानता हूँ, मुझे तो जो भी कुछ लेना है मैं सब एक्स से, इसी फाइन से एक्स के अकाउंट में वो कितना डेबिट कर देगा, 1,02,000 रुपीज डेबिट कर देगा, ये पक्का पता चल रहा है। ओके, एक्स बोलेगा यस आई एक्सेप्ट कि मुझे जेड को 1,02,000 रुपए देना पड़ेगा, कि नहीं से जेड विल बिकम अगेन क्रेडिटर, क्रेडिटर वापस बन जाएगा, लेकिन वाई क्या बोलेगा पता है, मैं सारा का सारा रुपया वाई से लूंगा, सॉरी एक्स क्या बोलेगा, मैं सारा का सारा रुपया किससे लूंगा, वाई से लूंगा, सो वाई अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, मतलब पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भाई कहता है सब साइड में हो जाओ, पहले मुझे बिल्स पेएबल को क्लोज करने दो क्योंकि उसकी डेथ की डेट आ चुकी है, इज़न्ट इट? वो क्लोज करेगा और बोलेगा अगर क्लोज करके पैसा दे दिया होता तो 2 कैश हो जाता, लेकिन अगर पैसा नहीं दिया है तो 2x करना पड़ेगा, लेकिन एक्स है ना वो 1,00,000 नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो तो मतलब 2,000 एक्सपेक्ट करेगा उससे, बराबर है? सो 2,000 रुपए यहाँ पे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा। एंड वैसे भी देखो गलत काम किसने किया था, वाई ने किया था, वाई ने पैसा नहीं दिया था टाइम पे, तो नोटिंग चार्जेस किसका खर्चा है, वाई का खर्चा है, सो इट शुड बी डेबिटेड ओवर हियर, सो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा। बोलो सब कुछ क्लियर हो रहा है? एक्सट्रीमली क्लियर। अगर एक बार आप लोग ये चीजें क्लियर कर लेते हो ना, तो आई एम टेलिंग यू आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जब भी वो लोग एंडोर्समेंट वाले सम पूछेंगे ना, तो हो सकता है वो लोग आपको जेड की बुक्स में, यानी कि तीसरी जो पार्टी है उसकी बुक्स में भी वो लोग एंट्री पूछे, बट इट्स रियली वेरी कंफर्टेबल, एक्सट्रीमली लॉजिकल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट डन? ऑलराइट, राइट इट डाउन। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ केस 4, दैट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन, जिसे हम लोग BSFC कहेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। वही वाली स्टोरी फिर से एक बार, 1 जनवरी को एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपीज 1,00,000, एक्स ड्रू अ बिल ऑफ रुपीज 1,00,000 फॉर 3 months ऑन वाई, वाई एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न, मतलब क्या हुआ, वाई ने साइन करके वापस भेज दिया। इसमें क्या आएगा, 2 बुक्स बनाएंगे हम लोग, इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई। चलो यहाँ पे ध्यान, 1 जनवरी को हमने सेल किया, सो वाई अकाउंट डेबिटेड 1,00,000 रुपीज, टू सेल्स अकाउंट इट इज 1,00,000 रुपीज, 1 जनवरी को परचेज अकाउंट डेबिटेड
वन लैख रुपीज टू एक्स अकाउंट, वाई की बुक से वाई का नाम नहीं आ सकता, ठीक है। अब क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपीज टू वाई अकाउंट 1 लाख रुपीज एंड यहाँ पे एक्स अकाउंट डेबिटेड एंड टू क्या इश्यू किया है हम लोगों ने, बिल्स पेबल इश्यू किया है, इज इट डन, ठीक है। अब ये है ना, ये वाला जो केस है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये ऑलमोस्ट वेट टिल मैच्योरिटी की तरह ही चलेगा, क्यों पता है, क्योंकि 90 डेज का यानी कि 4th अप्रैल को आपको आपका मैच्योरिटी डेट है, आपको पैसे कब मिलने वाले, 4th अप्रैल को मिलने वाले, तो हो सकता है मार्च के एंड में या तो फिर 1st अप्रैल के दिन हम लोग किसी एजेंसी को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे ये बिल हमें कलेक्ट करके दो, हो सकता है एजेंसी वाले आपसे हो सकता है 1000 रुपीज जितना चार्ज लेंगे फॉर डूइंग दिस वर्क, बराबर है। तो हम लोग कब तक बिल संभाल के रखेंगे, 1 अप्रैल तक संभाल के रखेंगे और उसके बाद 1 अप्रैल को हम किसी एजेंसी को बुला के ये बिल दे देंगे फॉर कलेक्शन, आई एम राइटिंग द ट्रांजेक्शन फॉर द सेम ऑप्शन ऑन 1 अप्रैल एक्स सेंड दिस बिल फॉर कलेक्शन, एक्स ने क्या कर दिया, बिल को सेंड किया कलेक्शन के लिए। तो नाउ सी फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल को BSFC नाम का एक अकाउंट स्पेशल अकाउंट ओपन हो जाएगा, क्या अकाउंट ओपन हो जाएगा, BSFC दैट इज बिल सेंड फॉर कलेक्शन, सो BSFC अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपए एंड बिल्स रिसीवेबल तो गया ना मेरे हाथ में से 1 लाख रुपए, तो कहना इसे इसकी मैक्सिमम डेट थी जिंदा रहने की 4th अप्रैल, लेकिन इसको ये तो 1 अप्रैल को ही कैंसिल हो गया, तो थोड़ा ध्यान में रखना, इज इट फाइन। अब इसको पूछा जाएगा तो ये तो बोलेगा नो एंट्री, अभी मेरे पास 3 दिन और बाकी है, समझ में आ रहा है, तो 1 अप्रैल को तो वो बोलेगा मैं नहीं करूंगा एंट्री कोई भी। नाउ ऑप्शन 1, वाई ओनर्ड द बिल ऑन ड्यू डेट, एजेंसी टुक 1000 रुपीज एज कलेक्शन चार्जेस और मे बी यू कैन से कमीशन, इसी पे उन्होंने अपना काम किया तो वो तो चार्ज लेंगे ही लेंगे, अब टाइम पे पैसा आ गया, फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, कैन आई से कैश अकाउंट डेबिटेड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 1 लाख रुपीज लेकिन एजेंसी वालों ने 1000 रुपए काट के पैसा दिया, तो कैन आई से 99,000 हाथ में आए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एजेंसी वाले तो क्या करेंगे 1000 रुपीज काट लेंगे कि भाई 99,000 हम आपको दे देते हैं, फिर 1000 रुपीज में क्या होगा पता है आप लोगों को, कमीशन अकाउंट डेबिटेड एंड टू, ये जो लेटेस्ट अकाउंट आपने ओपन किया था ना वो लेटेस्ट अकाउंट हमें बंद करना ही पड़ेगा, ये तो अच्छी बात हुई पैसे आ गए, पैसे नहीं भी आएंगे मैं बताऊंगा आपको, जब पैसे नहीं भी आएंगे ना तब भी BSFC तो क्लोज करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज जस्ट अ टेम्पररी अरेंजमेंट, हमने किसी एजेंसी को काम दिया इसलिए हमने एक टेम्पररी अकाउंट ओपन किया था, काम हो जाए तो भी क्लोज कर देना है, काम नहीं होता है तो भी उसको तो क्लोज करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट कीप इट ओपन, ऑलराइट। और 4 अप्रैल को ये तो क्या बताएगा कि भाई मुझे तो बिल्स पेएबल का पैसा दे देना है, कहां प्रॉब्लम है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सी मैं एक बात बताऊं, ये जो वाई है ना वाई को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई तो बोलता है कि एक्स खुद उठ के आया होता तो मैंने उसको पैसा दे दिया होता, अगर बैंक आई होती तो मैंने उसको पैसा दे दिया होगा होता, फॉर एग्जाम्पल जेड आया होता मुझे तो क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे पास तो वो साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट आना चाहिए, जो भी लेके आएगा मैं पैसे दे दूंगा, आज कोई एजेंसी आई मैंने पैसे दे दिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, इज इट फाइन, ठीक है। लेकिन ऑप्शन 2 इज नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, वाई डिसऑनर्ड द बिल, एजेंसी took रुपीज 1000 एज कमीशन एंड नोटिंग चार्जेस were रुपीज 2000। अगर आप मुझे पूछो तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग जर्नल एंट्री इन एंटायर चैप्टर, दैट्स व्हाट आई बिलीव, आपको बताता हूं कैसे। 4th अप्रैल ना इससे टाइम हो गया है मुझे BSFC क्लोज करना पड़ेगा, yes. 1 लाख रुपए मेरे पॉकेट से पैसा गया,
1000 रुपए से कमीशन 2000 रुपए टोपिंग चार्जेस के नहीं से टोटल 3000 रुपए गए। मैं वाई से पैसे डिमांड करने वाला हूँ लेकिन मैं वाई से सिर्फ 1,02,000 ही मांग सकता हूँ भाई, बिकॉज 1,00,000 तो मेरा हक का बनता है और 2,000 नोटिंग चार्जेस तेरी वजह से लगे हैं, ऐसा कह के मैं उससे डिमांड कर सकता हूँ। लेकिन केनाई से 1000 रुपए मैं किसी से डिमांड नहीं कर सकता हूँ, वो तो मेरा खुद का खर्चा है। क्योंकि यार आप लोग सोचो, फैसिलिटी किसे चाहिए थी, फैसिलिटी हमें चाहिए थी, तो वो खर्चा भी आपको बेयर करना पड़ेगा, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एंड दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि इस मोस्ट ब्रिलियंट जर्नल एंट्री है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको, बीएसएफसी क्या हो जाएगा, 1,00,000 रुपीज हो जाएगा। कैश कितना होगा क्रेडिट, 3,000 रुपीज कैश क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि 2,000 रुपए नोटिंग चार्जेस गया मेरे पास से एंड 1,000 रुपए वो कमीशन देना पड़ा वो गया, तो टोटल 3,000 रुपए आज तो मेरे पॉकेट से गए। अब उसमें से 2,000 रुपए मैं वाई से चार्ज करने वाला हूँ, वाई को बोला 1,00,000+2,000 यू आर सपोज टू गिव मी 1,02,000 एंड कमीशन के लिए मैं किसी को एक शब्द नहीं बोल सकता, वो तो मुझे ही बेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो जो होता है वही होगा, बिल्स पेबल कैंसिल करूंगा मैं, 1,00,000 नोटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएंगे क्योंकि हमारा फॉल्ट तो था ही ना, 2,000 एंड टू क्या करेंगे हम लोग, एक्स अकाउंट इट इज 1,02,000 कैश नो बाई कैश बाई कैश, इसने पेमेंट क्या किया है, पेमेंट नहीं किया इसलिए तो ये सब हुआ, पेमेंट किया होता तो ये हो जाता ना बराबर। सो टू एक्स अकाउंट, एक्स को पेएबल है, वो वापस से उसका क्रेडिटर बन गया, ठीक है ओके। ये जो चार केसेस है आपको बहुत सारी बार, जितनी बार हो सके उतनी बार आपको रिवाइज करना है, अगर ये कंफर्टेबल हो गया तो सारे एग्जाम्पल्स एक साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। प्लीज राइट दिस डाउन।